है पाइट कुकू। इसका बायोलॉजिकल नाम है जैकोबिन कुकू। कहते हैं कि मॉनसून नॉर्थ इंडिया में इस पक्षी के आने के बाद ही आते हैं। अगर ये नहीं आए तो उस साल बारिश नहीं होगी। क्यों? अब ये राज कोई नहीं जानता। पुराने इतिहास और शास्त्रों में इसे वर्षा पक्षी बुलाते हैं। तुम इस पर रिसर्च क्यों नहीं करते? श्योर सर। वाओ सर, कवर पेज पर आपका फोटोग्राफ है। हाँ, कुछ एक साल पहले आया था। सर, आपको पक्षियों में कैसे इंटरेस्ट आया? सच कहूँ तो पक्षियों को मुझ में पहले दिलचस्पी हुई। जब पैदा हुआ तो सांस नहीं ले रहा था, बदन नीला पड़ गया। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, हमसे बन सकता था उतना स्टिल बॉर्न, उसे नहीं बचा सके। फॉर्मेलिटीज बची है, डेथ सर्टिफिकेट बनाकर ले जाओ। शायद इत्तेफाक था, लेकिन सबने कहा चमत्कार है। मेरी दादी ने तो तय कर लिया कि साक्षात परमेश्वर चिड़िया के रूप में मुझे जिंदगी देने आए हैं। मुझे आज भी याद है, जब मैं बच्चा था, एक चिड़िया हर रोज खिड़की से मेरे कमरे में घुस आती और उड़ने लगती। सुबह की पहली किरणें जागे तुम्हारी आंखों में, शाम को दिन सो जाए, सीमत कर शाकों में, आसमां के कैनवस पर जैसे काटा चित्र खोई, उड़ना मुझे बिस्कला दो और ना ही मेरा मित्र कोई, नन्ही सी जान की तुम्हारी गूंजे सदा। तभी मैंने फैसला कर लिया कि मेरी जिंदगी सिर्फ पक्षियों के लिए है, बस। इसीलिए ऑर्निथोलॉजी पढ़ी और मैं ऑर्निथोलॉजी प्रोफेसर भी बन गया। वो न उलगालीरो, वो न मुलदालीरो,
नन्नया पुली नंगाल, ये तमिल भाषा का एक बहुत ही पुराना गीत है, अर्थात ओ पंछी तू सारे जगत पे छाया है, यहां से लेकर स्वर्ग तक धरती और आकाश तुझसे भरे हुए हैं। दुनिया के सारे पक्षियों का वजन मनुष्य के वजन से 100 गुना ज्यादा होता है। आदमी जितना खाते हैं उससे 1000 गुना ज्यादा खाते हैं पक्षी। अगर वो कीड़े नहीं खाएंगे तो यहां एक पत्ता तक नहीं बचेगा, लोगों को खाना नहीं मिलेगा, क्योंकि कीड़ों का आंकड़ा पक्षियों से 100 गुना ज्यादा होता है। अगर मनुष्य को जिंदा रहना है तो पक्षियों का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। सर, हर साल वेदन थंगल को आने वाले पक्षियों की गिनती कम हो रही है, ऐसा क्यों सर? पहले हर सुबह चिड़ियों की चहकने की आवाज से जगा करते थे, अब तो शहर से चिड़ियों का नामो निशान ही मिट गया है सर। '96 में हिंदुस्तान में सेलफोन इंट्रोड्यूस किया गया, उसके बाद से ही पक्षियों की गिनती कम होती चली गई, खास करके चिड़िया की। इसका नाम है आर्टिक टर्न। ये 50 ग्राम का एक छोटा सा पक्षी है, हर साल 12,000 किलोमीटर दूर अपने वेड़ंतांगल तक आता है और फिर लौट के चला जाता है। इसके पास मैप या रडार नहीं है, उसके दिमाग में आकाश से दिशा किरणों को पढ़ने की शक्ति है, उससे वो दिशा को पहचान पाता है। ये इस पक्षी की खासियत है। अब हमने सेलफोन टावर से निकलती हुई किरणों को आसमां में भर दिया है, इसे पक्षियों के दिमाग की अंदर की रेखा ग्रहण शक्ति आहिस्ते आहिस्ते खत्म होती जा रही है। वो राह भूल कर खो जाते हैं और उनका विनाश होते जा रहा है। इस रेडिएशन की वजह से पक्षी के अंडे बगैर मांस के कमजोर और नरम हो जाते हैं। पक्षी अंडे सेकने के लिए जैसे ही बैठते हैं तो वो टूट जाते हैं। सच तो यह है कि मानव की भी यही समस्या है, हम के शिकार बनते हैं, कम होती है, बढ़ता है, और इससे ज्यादा डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, अल्जाइमर जिससे मानसिक कठिनाइयां बढ़ जाती हैं, सारे सिम्टम्स अब नजर आने लग गए हैं। मिस्टर पक्षी राजन, तो बताइए सॉल्यूशन क्या है? सेलफोन्स किसके लिए इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर? फिजूल बातों के लिए। उसे कंट्रोल करेंगे। इतने सेलफोन्स क्यों, इतने टावर्स किस लिए? उसे कम करेंगे। सेलफोन कौन किस चीज के लिए कितना इस्तेमाल कर सकता है, इसके लिए एक कानून होना चाहिए। पागल हो गया है लगता है। आज के हाई फ्रिक्वेंसी सेलफोन टेक्नोलॉजी के बदले दूसरी टेक्नोलॉजी का पता लगाएंगे। हेलो। तब तक इस देश के 90% सेलफोन टावर्स को हम बंद रखेंगे। हेलो। गुड आइडिया। सर प्लीज एक्सक्यूज मी सर, सिंस मॉर्निंग आई हैव कॉल सर प्लीज सेव बर्ड सेव अर्थ सेव बर्ड सेव अर्थ डोंट किल डोंट किल डोंट किल बर्ड सेव बर्ड सेव बर्ड सेव बर्ड सेव अर्थ डोंट किल डोंट किल डोंट किल बर्ड इन लोगों को और कोई काम नहीं है, सूरज उगते ही कुत्ते बिल्ली कौवे चिड़ियों की वकालत करने के लिए मोर्चा खड़ा कर देते हैं, उनको भगाते क्यों नहीं? मैंने बोला जाने को सर, बोले आपसे मिले बिना नहीं जाएंगे। टेल मी व्हाट्स योर प्रॉब्लम। ट्राई परमिट का फ्रीक्वेंसी रेट क्या है? अब आपके टावर्स में फ्रीक्वेंसी रेट क्या चल रहा है? आसमान में उड़ने वाले पक्षियों का गर्भ में ही नाश कर रहे हैं। हेलो हेलो मिस्टर लिसन, हम ट्राई के रेगुलेशंस को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। पहले से ही सब्सक्राइबर्स, अ बाथरूम में नो सिग्नल, अ लिफ्ट में नो स्काइप, अ बेसमेंट में नो कनेक्टिविटी, यू नो पिछले 3 महीने में 2,000 सब्सक्राइबर्स ने नेटवर्क बदल दिया, पता है? झूठ मत बोलो। आप लोगों के गंदे कॉम्पिटिशन में सब्सक्राइबर्स को पकड़े रखने के लिए फ्रीक्वेंसी को जैसे मर्जी आप लोग बढ़ाते रहते हैं, अब तो वो खतरे के हद से बहुत आगे निकल चुकी है। इस रेडिएशन से पक्षियों की पूरी पीढ़ी विनाश की ओर बढ़ रही है, आपको पता है इसके बारे में?
ज्यादा एग्जैजरेट कर रहे हो। सेल फोन रेडिएशन से ही बर्ड्स का विनाश हो रहा है, इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। यू नो दैट? ठीक है, तो माकर अपने सेल फोन टावर के नीचे 24 घंटे खड़े रह के दिखाओ, मैं साबित कर दूंगा। यू गेट आउट। साइंटिफिक प्रूफ मांगा आपने, मैं आपको दे रहा हूं। निकलो अब, जाके मीडिया को लेटर लिखो या धूप में झंडा पकड़ कर खड़े रहो, आई डोंट केयर। आउट, गेट आउट। रुको, क्या कर रहे हो? बंद करो, यहाँ आसपास लोगों के घर हैं, पंछी भी आते हैं, बंद करो ये सब कुछ। ओ बुड्ढे, यहाँ एटॉमिक सेंटर को नहीं बना रहे हैं, सिर्फ सेल फोन टावर को लगा रहे हैं। अब तुम्हें भी अच्छी तरह सिग्नल मिलेगा, चल उठे यहाँ से। ये क्या हुआ? रामास्वामी, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि पक्षी कैसे मर रहे हैं, और तुम्हें बुरा भी लगा, पर ये सब क्या करे भाई, दिवाला निकलना बाकी है बस। सारी फसल तो कीड़ों ने हजम कर ली, कीटनाशक खरीद खरीद कर बर्बाद हो गया। उसका भी कारण पक्षियों की मौत ही है। पक्षी कीड़ों को खा जाते हैं, पक्षी जितने कम होते जाएंगे कीड़े उतने ही बढ़ते जाएंगे। शायद ऐसा ही हो, लेकिन अब खेती बाड़ी करने की शक्ति नहीं, अब इसके अलावा मेरे पास कोई चारा ही नहीं है कमाने का। तो क्या पक्षियों को मारने वाले लोगों को जमीन दोगे तुम? यहाँ पर मनुष्य ही भूखे मर रहे हैं ना, तो पक्षियों की फिक्र कोई कैसे करेगा। चलो अभी, परेशान मत करो। हर एक सेल फोन जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो पक्षियों के खून से रंगा हुआ है। हर एक सेल फोन किसी चिड़िया की कब्र है। इधर आओ। सर, सर। कौन है वो? कब से सारे कस्टमर्स को पका रहा है, उसको निकालो। ओके सर। Stop using cell phones. सर, हर लेवल में मैंने इतने सारे पिटीशन किए हैं, लेकिन किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। ओ, इसीलिए तो चिड़िया आजकल दिखाई नहीं देती। जब मैं छोटा बच्चा था तो कितनी सारी चिड़िया घूम घुमा करती थी, खेलता था उनके साथ में, और फिर जब मैं बड़ा हुआ तो अक्सर उन्हें पकड़ के खा जाता था 7-8। मोस्ट टेस्टी थिंग, मॉनसून में चाय और फ्राई पंछी। सुपर सर। और वो जो चिड़िया की दवाई बनाते हैं, ही मैन मैटर। अब तो कहीं दिखती नहीं। ये क्या बात हुई सर, मैं उन्हें जिंदा रखने की बात कर रहा हूँ, आप उन्हें तल के खाने की बात कर रहे हैं। तो क्या मातम करूं? चिड़ियों के लिए एक नया कल्याण केंद्र बनाते हैं और तुम्हें उसका इंचार्ज बना देते हैं। पहले आप जरूरत से ज्यादा फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करने वाले सब नेटवर्क पर एक्शन लीजिए। हाँ। उन सब का लाइसेंस कैंसिल कीजिए। फिर रेगुलेशन स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाले सिर्फ 2 नेटवर्क्स को रहने दीजिए। क्या बकवास है ये, 125 करोड़ का देश है ये इंडिया,
इतने सारे लोगों तक रीच करना है ना, हर किसी को सिग्नल चाहिए कि नहीं? आजकल सेलफोन लाइफ का आधार है। अरे पानी की तरह सेलफोन ना हो तो चलेगी नहीं दुनिया। सेलफोन से हमारा टाइम बचता है, उनसे व्यापार बढ़ता है, नौकरियां चली जाएंगी। भूख लगेगी तो क्या आदमी अपना हाथ काट के खा लेगा? पक्षियों के नाश से होने वाली प्रगति ऐसी ही कुछ है। अगर 30 ग्राम की चिड़िया हम पे विश्वास करके जी नहीं सकती तो ये कैसी प्रगति, कैसी टेक्नोलॉजी है ये? भारत से कई गुना बड़ा है अमेरिका, वहां सिर्फ 4 या 5 नेटवर्क है। दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या है चाइना में, वहां सिर्फ 3 नेटवर्क है, और यहां 10। सबसे लेकर बिना नियंत्रण के अनुमति देते हैं आप। ये तो ज्यादती है तेरी। हाँ, पढ़े लिखे दिखते हो, भले मालूम होते हो, इसीलिए इज्जत से पेश आया। उल्टा हम ही से राजनीति। तो सुनो, असली राजनीति सब कुछ कानून के दायरे में हो रहा है। जो भी अंतरराष्ट्रीय रूल्स है उनको फॉलो करके ही हम यहाँ सेलफोन सर्विस दे रहे हैं। जा रहा है तो जाओ, कोर्ट पे जाके केस करो, चलो यहाँ से। सर आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं, मेरी बात तो सुनिए सर। और कितना सुनाओगे? गो गो कोर्ट यू गो, जाके अपनी नाम कथा जज को सुनाओ सालों तक, जाओ। पीएम बोलते हैं जनता को समय देना चाहिए, नतीजा आधे तो क्रैक लोग आ जाते हैं। कौन माथा फोड़े इनसे? सुनो, कोर्ट से वो रेडिएशन फ्रीक्वेंसी चेक करने आएंगे, बिल्कुल लिमिट में रखना। टेस्ट से साफ जाहिर है कि सारे प्रोवाइडर्स के मीटर्स लीगल रेंज के अंदर हैं। साथ ही ये भी साबित नहीं हुआ कि पक्षियों को या उनके सर्वाइवल पर कोई बुरा असर पड़ता है या नुकसान होता है, इसलिए पक्षी राजन के पीआईएल को अदालत बेबुनियाद मानती है।